राम, हनुमान, सीता, लक्ष्मण, रावण, इन चरित्रों के साथ खिलवाड़ किया मनोज मुंतशिर शुक्ला और ओम राउत ने। लेकिन सवाल उठे तो बीच में ले आया गया मुसलमानों को। वाल्मीकि रामायण की कहानी के मर्म को समझना तो दूर, उसे दिखा तक खुद ये नहीं पाए। लेकिन सवाल उठे तो लिबरल्स और मुसलमानों को टारगेट करने का विमर्श खेला गया। पहले आप एक घटिया फिल्म बनाइए, फिर धर्म के सहारे उसकी मार्केटिंग करिए, लेकिन फिर भी फिल्म लोगों को पसंद ना आए तो हिंदू मुसलमान का विमर्श खेल दीजिए। ये फॉर्मूला है, लेकिन ये तो शर्मनाक है ओम राउत जी। इस फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के बाद ही लोगों ने इसे खारिज कर दिया था। कारण थे वीएफएक्स और किरदारों का लुक। मेकर्स ने भरोसा दिलाया कि इन्हें ठीक किया जाएगा, लेकिन जब फिल्म आई तो दिक्कतें कम होने की जगह बढ़ गईं। वीएफएक्स और लुक तो खराब थे ही, संवाद, कैरेक्टर्स का बिल्डअप, कहानी, स्क्रीन प्ले सब दोयम दर्जे के कहे जा सकते हैं। राम सेतु के निर्माण में नल नील की भूमिका को गौण कर दिया गया। वनवास के लगभग अंतिम समय में शबरी अपने आप राम के पास आ गई। रावण पुष्पक विमान की जगह चमगादड़ पर उड़ता दिखा। परम विद्वान और शिव भक्त माना जाने वाला रावण गली के गुंडे जैसा चित्रित किया गया। मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुस्सैल और अधीर दिखे। हनुमान मूर्ख और फूहर दिखाए गए। जब लोगों ने इन पर सवाल उठाया तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा पैदा करने की कोशिश की। एक ट्वीट देखिए, फिल्म पर जिहादियों और लिबरलों को पीड़ा होनी चाहिए थी, पर हिंदू ही भिड़ गए। लव जिहादियों के लिए फिल्म में एक संवाद है, जो हमारी बहनों पर नजर उठाएंगे हम उनकी लंका लगा देंगे। तुम लड़ो अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए, अपनी बहनों की रक्षा के लिए। फिल्म अच्छी है देखने के बाद लिख रहा हूं, जैसा मुझे समझ आया। अब ये जो ट्वीट है, इस ट्वीट को ओम राउत ने रीट्वीट करते हुए थैंक यू लिखा है। क्यों भाई ओम राउत साहब, रामायण की कहानी से प्रेरित होकर फिल्म बनाते हुए लव जिहाद का कॉन्सेप्ट कहां से आ गया बीच में? फिल्म के बजट को पूरा करने के लिए शर्म बेच दी थी क्या, जिस कारण से ये बेशर्मी दिख रही है? फिल्म के डायलॉग्स लेखक मनोज शुक्ला की बेशर्मी इनसे भी ऊपर की है। इन साहब ने अपने लिखे साक्षात डायलॉग को डिफेंड करने के लिए हनुमान को ही ट्रोल कर दिया। वीडियो देखिए। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में, क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। अरे भाई, हनुमान का किरदार भक्त का जरूर था, लेकिन अंध भक्त का नहीं था। हनुमान के उस किरदार में ज्ञान भी था और समझदारी भी। हनुमान के नाम की जो सीट सिनेमा घरों में छोड़ी गई थी ना, अगर वो वहां बैठते तो अपने गधे से तुम्हें गदगदा देते। सनातन धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर पैसा कमाने का धंधा नहीं किया जाना चाहिए। फिल्म मेकिंग तपस्या मांगती है, हवाबाजी नहीं। जब तक हवाबाजी होती रहेगी तब तक शर्मनाक दिन देखने पड़ते रहेंगे।